एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। विंटर का सीजन है, बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल हैं, तो क्यों ना एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए कि आप चावल के साथ काफी सारी सब्जियां खा सके। ब्रेकफास्ट में खाइए, स्नैक्स में खाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक सूप बाउल जो बड़ा वाला है वो राइस लिए हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। ये मैंने सब्जियों को बॉईल कर लिया है, मटर, कॉर्न और गोभी के छोटे छोटे पीसेस करके मैंने उनको बॉईल कर लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने काट लिया है, आधा शिमला मिर्च काट ली है, पत्ता गोभी है, लेमन लिया है, गाजर ली है एक बड़ी, जिसके मैंने लंबे लंबे स्लाइस किए हैं ताकि वो देखने में जो है अच्छे लगे। हरा धनिया ढेर सारा है, आधा चम्मच राई है, नमक स्वाद के अनुसार है, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर है आप देख सकते हैं, और गरम मसाला है थोड़ा सा, 2 पिंच के करीब। बाकी आप जो सब्जियां चाहें डाल सकते हैं, जो पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। तो थोड़े से ऑयल में हम छोंकने वाले हैं ये टेस्टी टेस्टी राइस। तो हमने जो ऑयल है 1.5 टेबलस्पून लिया है, वो गर्म होना रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये राई, और राई तड़कने देते हैं। मैं इसमें ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूं, आप चाहें तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे प्याज, फ्लेम को हम हाई रखेंगे, जैसे हम चाइनीज वेजिटेबल बनाते हैं इसको लगातार चलाते हुए हमें सौते करना है। अब हम डाल रहे हैं इसमें गाजर, इसको भी अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। हमें बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स को पकाना ही नहीं है। पत्ता गोभी डालेंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, और हम इसको क्रंची रखने वाले हैं क्योंकि जो सब्जियां हमको पकानी थी वो हम बॉईल कर चुके हैं। तो सब्जी कम ज्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, इनको करते हैं अच्छे से मिक्स। 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम ये जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं ये डाल देंगे। देखिए आप कितनी अच्छी ये वेजिटेबल्स लग रही हैं, कलरफुल, बहुत ही यम्मी। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें ये नमक, गरम मसाला और मिर्च डाल देंगे। सब्जियों में नमक नहीं है बट चावल में हमारे हल्का सा नमक है, इसलिए आप देख कर डालिएगा और इनको टेस्ट कीजिएगा अच्छे से। और ये देखिए, क्रंची वेजिटेबल्स के साथ अब हम मिला देंगे इसमें ये राइस जो ऑलरेडी कुक्ड हैं। और देखिए, खूब सारी वेजिटेबल्स हैं, राइस को खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, है ना, बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार। पूरी वेजिटेबल्स हैं, राइस हैं। इसको खाने के बाद ना आप नूडल्स खाना भूल जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत यमी सी लगने वाली ये रेसिपी हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। और मैं कोशिश करती हूं कि आपको सिंपल रेसिपी दूं। गैस को करते हैं ऑफ, और इसमें ऊपर से डालते हैं हम कुछ थोड़ा सा हरा धनिया, और ये डालूंगी मैं थोड़ा सा लेमन। अगर आपको पसंद है तो आप यूज कीजिए, नहीं पसंद है तो मत यूज कीजिए। थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर इसमें आएगा। ये देखिए, इसको करेंगे मिक्स। लग रहा है ना यम्मी, तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए, एक एक दाना खिला हुआ है, वेजिटेबल्स हैं, आप देखिए फुल ऑफ वेजिटेबल हैं। और ये बिरयानी से भी अच्छा जो है राइस है। मैंने इसको ढककर नहीं पकाया है क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रंची रहें। हल्का सा आपको बस खुले में पकाना है, और बहुत कम समय में बनने वाली ये डिश है, बहुत जल्दी से बन जाती है। और ये देखिए, लग रही है ना यम्मी, तो हम कुछ बीट रूट के स्लाइस से इसको डेकोरेट करेंगे, और कुछ हरे धनिए की पत्ती से। और बहुत ही अच्छा लगने वाला ये नाश्ता बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।